हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर कभी भी लाइव फोटोशूट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम देखने वाले हैं लाइव आउटडोर शूट इन नेचुरल लाइट। कोई भी फ्लैश यूज़ करे बिना आप कैसे नेचुरल लाइट के अंदर शूट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले। आपको आउटडोर शूट कैसे करना है उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, उसी के साथ साथ कैमरा सेटिंग, आपको कौन सा कैमरा यूज़ कर सकते हो, कौन से लेंसेज यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आपको एंगल लेना है, बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलने वाली है। So, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। So, let's get started. So guys, आज मैं जो कैमरा यूज करने वाला हूँ वो है Canon R6 एंड जो लेंस यूज करने वाला हूँ वो है Sigma 85mm 1.4। बट याद रखो, जब भी आप आउटडोर शूट कर रहे हो तब सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेंस, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको प्राइम लेंस यूज करना है, अगर आपको वाइड रिजल्ट चाहिए तो 35mm 50mm यूज करो, और अगर बहुत ज्यादा टाइट एंड क्लोज शॉट चाहिए तो 85mm उसी के साथ साथ 100mm या फिर 135mm यूज कर सकते हो। सो गाइस, शूट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप आउटडोर शूट के लिए जा रहे हो तब जाते ही पहले 10 मिनट अलग से निकाल करके वहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, मतलब वो पूरा जो लोकेशन है आप ध्यान से देख लो। वरना क्या हो जाता है, आप समझो एक लोकेशन पे आए, समझो ये बैकग्राउंड अच्छा है तो यहाँ पे शूट किया, फिर थोड़े टाइम के बाद में आपको पता चलता है कि इससे अच्छा बैकग्राउंड वहाँ पे है, या फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, समझो एक बैकग्राउंड अच्छा है तो आप वहीं पे शूट करने लग जाते हो, मैक्सिमम टाइम आपका वहाँ पे ही चला जाता है। इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, देखिए आप शूट के लिए तो चले जाते हो बट बहुत सारे फोटोज एक ही बैकग्राउंड पे आते हैं तो आप सारे फोटोज को अपलोड नहीं कर सकते, या फिर कस्टमर जो भी फोटो सिलेक्ट करने वाला है वो सभी फोटो सिलेक्ट नहीं करेगा, उसी के अंदर के सिर्फ 2 से 3 फोटो सिलेक्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले लोकेशन पे जाके वो जो पूरा लोकेशन है वो एकदम ध्यान से देख लेना है, इसे कहते हैं लोकेशन हंटिंग। सुगज, अभी आपको मैं सबसे पहले कैमरा सेटिंग बताता हूँ। आप कोई भी कैमरा यूज़ करो, कैनन यूज़ करो, सोनी यूज़ करो, फ्यूजी फिल्म यूज़ करो, कोई भी कैमरा यूज़ करो, अभी मैं जो आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आउटडोर शूट के लिए। आपका जो अपर्चर नंबर है वो जितना ज़्यादा आपको लो मिल सकता है उतना आपको रखना है। अगर आपके पास में 18-135 लेंस है या फिर कोई भी किट लेंस है तो उसके अंदर जो भी मिनिमम है, मतलब 4 है, 5.6 है, वो रखना है ताकि आपको बैकग्राउंड ब्लर मिले। और अगर आप प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको 1.8, 1.4, 2.8 ये जो अपर्चर है उसको यूज़ करना है, उससे क्या होगा बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप बताना चाहता हूँ, अगर आप एक किट लेंस यूज़ कर रहे हो, मतलब 18-135 या फिर 24-105 कोई भी, और उसके अंदर अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको फुल जूम करके ही फोटो क्लिक करना है। समझो मेरे पास में 55-250 है तो मैं क्या करूँगा, पूरा जूम करूँगा, मतलब उसको 250mm पे रखूँगा, उससे क्या हो जाएगा फोटो बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बट फुल जूम करके ही फोटो क्लिक करना है, उससे आपके फोटोज़ के अंदर बैकग्राउंड ब्लर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, आप ट्राई करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। फिर उसके बाद में है शटर स्पीड। शटर स्पीड कितना रखना है, देखिए अगर कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए शटर स्पीड जरूरी होता है कम से कम 1/100, मतलब 100 के ऊपर आपको शूट करना है। बट यहाँ पे भी मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, आप जितने mm के लेंस से शूट कर रहे हो उसके नीचे आपको शटर स्पीड नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 85mm से शूट कर रहे हो तो आपको 85 से नीचे शटर स्पीड नहीं जाना है, वरना फोटो शेक हो जाएगा। अगर आप 55-250 से शूट कर रहे हो तो 250 से नीचे शटर स्पीड नहीं रखना है, अगर उससे नीचे जाओगे तो आपका फोटो शेक हो सकता है। तो याद रखो कम से कम 80 या फिर 100 के आगे ही शटर स्पीड रखना है, फिर वो डिपेंड है कि कितनी ज्यादा धूप है या फिर कितनी ज्यादा नेचुरल लाइट अवेलेबल है। सबसे पहले आपको अपर्चर सेट करना है, फिर जिस तरीके से इमेज आ रहा है, ब्राइट हो रहा है तो शटर स्पीड को बढ़ाना है, और अगर डार्क हो रहा है तो शटर स्पीड को कम करना है, बट जितने mm का लेंस यूज कर रहे हैं उससे नीचे आपको नहीं जाना है। फिर लास्ट है ISO। अगर आपके फोटो के अंदर अपर्चर और शटर स्पीड सेट करने के बाद में भी लाइट कम हो रही है तो ही आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा, वरना ISO नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इवनिंग के टाइम पे शूट कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत लाइट कम पड़े, तो उस टाइम पे आपको ISO थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट कैमरा सेटिंग है वो है फोकसिंग। फोकसिंग का आपको मोड रखना है ट्रैकिंग, मतलब फेस ट्रैकिंग, और अगर आप मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आई फोकस भी रख सकते हो। फिर हमारा जो लास्ट सेटिंग है वो है व्हाइट बैलेंस। आप जब भी आउटडोर शूट कर रहे हो तो वहां पे ऑटो व्हाइट बैलेंस ही रखो, आपको 95% जो व्हाइट बैलेंस है ऑटो व्हाइट बैलेंस प्रॉपर काम करेगा आउटडोर शूट के अंदर। तो गाइस यहां से मैं अभी फोटो शूट करने वाला हूं, तो मैंने फाइनली ये एंगल डिसाइड किया है। आपको शूट करते टाइम पे याद रखना है कि जो बैकग्राउंड का डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, जितना बैकग्राउंड लंबा होगा उतना बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर होने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ पे खड़ा करता और यहाँ से शूट करता तो ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं आता, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है ये पास में है, तो ध्यान रखना है जितना दूर बैकग्राउंड होगा उतना ज्यादा ब्लर होने वाला है। तो मैंने जो एंगल डिसाइड किया तो वो यहाँ से किया, क्योंकि जब मैं यहाँ से शूट करूंगा तब बैकग्राउंड डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ब्लर इफेक्ट और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर जो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ध्यान में रखी है वो है फोरग्राउंड। जब भी मैं शूट कर रहा हूँ सामने कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ, उससे क्या होगा फोटो के अंदर और भी ज्यादा डेप्थ नजर आएगा और फोटो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। सो गाइस अभी मैं सीधा फोटो शूट करने वाला हूँ, आपको BTS देखना है और फाइनल रिजल्ट देखना है।
अब मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ। अब मैं दूर से शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा नॉर्मल आ रहा है, मैं जितना सब्जेक्ट के पास में जाऊंगा उतना बैकग्राउंड ब्लर और भी ज्यादा होगा। अब मैं अगर यहाँ से ले रहा हूँ तो बैकग्राउंड इसके पीछे वाला आ रहा है, अगर मैं यहाँ से लूंगा तो बैकग्राउंड वो पीछे वाला आएगा, तो और बैकग्राउंड डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ब्लर और भी ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बैकग्राउंड क्यों चूज किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी पत्ते हैं उसके ऊपर से नेचुरल लाइट होने की वजह से जो ऊपर के पत्ते हैं वो ब्राइट नजर आ रहे हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसके अंदर शैडो है। सो ये हाईलाइट एंड शैडो का कॉम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ पे एक नेचुरल ग्लो नजर आएगा और बैकग्राउंड जो है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट डॉज एंड बर्न इफेक्ट आएगा। और मैंने ये जो बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है उसके ऊपर कोई भी धूप नहीं आ रही है तो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आपको शूट करते टाइम पे याद रखना है कि बैकग्राउंड ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड के ऊपर धूप गिर रही है तो वो बैकग्राउंड आपको अवॉइड करना है। अब मैं इस एंगल से कुछ फोटोज ले रहा हूँ। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको शूट पसंद आया होगा। इस शूट के अंदर हमने जितने भी फोटोज़ क्लिक करे हैं, अगर आप उन फोटोज़ को ओरिजिनल साइज में देखना चाहते हो, उसके प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हो या फिर उन फोटोज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, उनको अपलोड करना चाहते हो, तो इन सारे फोटोज़ को मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जाके जल्दी से चेकआउट करो और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, वहां से आप इन फोटोज़ को ले सकते हो। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। यूट्यूब पर आने वाले वीडियोज़ के जो अपडेट्स है आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलते रहेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आपने शूट के बारे में तो सीख लिया, बट जब तक फोटोज को एडिट नहीं करोगे तब तक फोटोज के अंदर जान नहीं आएगी। तो अगर आपको रिटचिंग पूरा स्टार्ट टू एंड बेसिक से एडवांस सीखना है तो ये वाला हमारा रिटचिंग का मास्टर क्लास है, जाके ये वीडियो देखो, इसके अंदर आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। सो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।